हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं। तो अभी का नज़ारा देखो आप, ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है और ये देखो बाहर का नज़ारा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है ना आज की पूछो मत, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है आज तो, बहुत ही ज़्यादा, 3-4 दिन और रेड अलर्ट दिया हुआ है। इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, इस टाइम तो इतना नहीं होता, लेकिन आज देखो पूरा वाइट चादर बिछी हुई है। बारह और आज 12 बजे हमारा नाश्ता बन रहा है, क्योंकि सुबह इतनी ज्यादा धुंध थी, बिल्कुल भी मतलब उठने का मन नहीं था। और उठ के करते भी क्या, बाहर निकलो, सुबह हुआ मतलब होता है कि उठ के हम बाहर निकले तो एंड अच्छी अच्छी धूप देखे या एटलीस्ट दिन चढ़ता देखे। और यहाँ तो रात दिन एक बराबर हो रखा था। तो मैं उठी हूँ, उठ गई थी वैसे 10:30 बजे, चाय वगैरह आज हमको शम्मी जी ने बेड पे ही दे दी। तो अभी नहा धो के मैंने सोचा नाश्ता बनाती हूँ, तो नाश्ते में आज बन रही है गोभी की सब्जी। और आप लोग देख सकते हैं इस चॉपर पे मैंने टमाटर कितने अच्छे से चॉप किए हैं, पूरा ग्राइंडर की प्यूरी बना दी है। तो रास्ता आज बनेगा गोभी और गोभी की सब्जी और साथ में परांठी का कुछ पति का जो आपकी इच्छा है खिला दो कुछ नहीं, परांठी और हम लोग खाएंगे रोटी। शमी जी भी आज मेरी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प तो कुछ नहीं कर रहे, आज कर रहा हूं क्या? नहीं रोज ही करते, नहीं आज ही करते हैं, रोज ही करते हैं। बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, क्या चक्कर है? थैंक यू सो मच। नहाया क्या? क्योंकि अभी क्लासेस खत्म हुई है। नहीं नहाया क्या? मैं रोज ही नहाती हूँ, लोगों को लगता है सच में, सच बोलता है ये आदमी, पर ये आदमी सच नहीं बोलता है, ये मजाक करते हैं, छेड़ते हैं। आप लोग भी सीरियस मत हो जाया करो कि हाँ पता नहीं सच में नहीं नहाती होगी, मैं रोज नहाती हूँ। आपको पता है मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमको ऑब्वियसली नहाना पड़ता है, उनको पूजा पाठ करना पड़ता है। तो प्याज जल रहा है यहाँ पे, यहाँ मेरे घर आज डुगू के लिए चाय, डुगू की ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, सुबह 9 बजे उठी, अभी तक कुछ नहीं खाया उसने, तो फटाफट उसको फिलहाल के लिए चाय बिस्किट दे देती हूँ, उसके बाद जो है वो रोटी खा लेती नहाती है। हे गाइस, तो दोपहर के बज गए 2 और आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ निकली इतनी अच्छी सी धूप, और यहाँ सूख रहे हैं मेरे बहुत सारे ढेरों कपड़े, बस सूखे चाहिए। और ये धूप से 2 घंटे की है, 4 बजते ही कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, पर शुक्र है इतना सारा धूप निकल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट में शमी जी के साथ, अब वो आई नहीं, उनका वेट कर रही हूँ, जैसे वो आएंगे खाना, क्योंकि हम लेट खाए थे इसलिए लंच आज करने का किसी का मूड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सामान लाना है मुझे दुकान से, अपनी शॉप जा रही हूँ, वहीं जाके दुकान से सामान लेके आऊँगी और रेडी होगी मैं। बताया मुझे कैसे लगेंगे शमी जी होते घर में, वो बताते हैं डुगू से क्या ही पूछे। भाई बेटा कुंडी लगा लो, आज मैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं निकल रही हूँ खुद ही मार्केट जाने के लिए, क्योंकि शमी जी जो है वो नहीं आए। आज मैं इसको खुद ही स्टार्ट करके जाऊंगी, ये लेगी भी नहीं। तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है, इसलिए कैमरे के पीछे हमारे शमी जी जिनके साथ जा रही हूँ मार्केट। मैं ना ये 2-व्हीलर सीखने में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, कि मुझे ये सेफ नहीं लगता, तो मैं सीधा सीखूंगी 4-व्हीलर। 5 सही है। तो गाइस मार्केट से हम लोग आ चुके हैं घर, और मैं बड़ी हीरोइन बन के गई, कोई कैप नहीं पहनी, कोई मफलर नहीं लिया, और बाय गॉड से कोई फर्क नहीं है भाई साहब, धूप का इतनी सी धूप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इतनी ठंडी हवा चली कि मेरा सर जो है सीरियसली एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि जम गई मेरी दिमाग की नसें। और वैसे मैं नॉर्मली कैप पहन के जाती हूँ क्योंकि धुंध होती है, पर मुझे लगा धूप निकली है तो क्या ही कैप पहन के जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिना मफलर के बिना कैप के ऐसे चली गई। और जनाब जी गए थे कैप पहन के, इतने चलाक, इतने चलाक, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू भी कैप पहन रहे, और मेरा सिर सच में ऐसा लग रहा है कि नसें होती ना दिमाग की वो जम गई है। और फटाफट से मैंने बोला इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ यहाँ पे, फटाफट से घर चलो। सच में धूप का मतलब 1% भी असर नहीं पड़ा मौसम पे, कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा गर्म लगे, कोई फर्क नहीं, वैसे ही ठंड, वैसे ही लू चल रही है ठंड की।
तो अभी हमारा होने वाला है वर्कआउट का टाइम भी, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ब्लोअर से अपना सिर जो गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा टोपी वगैरह पहनती हूँ गर्म करके, ताकि थोड़ा दिमाग जो है वो नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद हम लोग करेंगे मज़ेदार से अपना वर्कआउट, और फिर शाम को देखते हैं हम आज आग जलाएंगे। मैंने इनको बोला है कि आज थोड़ी देर हम आग जलाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको आग पे खाना बनाया हुआ, कुछ खाना बनाएंगे आग पे, तो फिलहाल करते हैं थोड़ी देर रेस्ट हम, फिर चलाएंगे शाम को हम आग। हे गाइस, तो शाम के बज गए 6 और हमारा वर्कआउट हो चुका है डन, और आज है आपको पता है मकर संक्रांति के बाद आज का जो है वो पहला सोमवार आया है, सॉरी मंगलवार आया है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार सा हलवा। और हलवा के लिए मैं सूखा नारियल यहाँ कद्दूकस कर रही हूँ, यहाँ मैंने सूजी निकाल दी, यहाँ मैंने घी रख दी है, आज बनाएंगे मजेदार सा हलवा और शाम की पूजा करेंगे अच्छे से, और ताकि हमारा पूरा साल जो बहुत अच्छे से जाए। अभी चल रही है हलवे की तैयारी। तो गाइस, फाइनली हमारा हलवा हो चुका है डन, और हमने पूजा पाठ कर ली है, अपने भगवान जी को भोग लगा ली, और आप लोग मेरा मंदिर देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है जो जली। तो मैं आपको हलवा दिखाती हूँ, हलवे की शक्ल आ, ऐसी ठंड और कोहरे में इतना टेस्टी हलवा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो गाइस, फाइनली हमारा हलवा इतना यम्मी बना है, आप लोग देख सकते हैं शकल। मैंने बहुत प्यार से बहुत टाइम लगा के बनाया, और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट कुछ नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे को नारियल कद्दूकस करके डाला, और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे बादाम काजू वो सब ऊपर ऊपर आते हैं तो मजा नहीं आता खाने का, मुझे नारियल ऐसे कद्दूकस करके डालो तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और यहाँ बच्चे भी खा रहे हैं बहुत अच्छे से, और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं घुस रही हूँ बिस्तर में, और सेक रही हूँ ब्लोअर, और दरवाजा खुला था, और हमारे घर में इतने मच्छर कहाँ से आ गए, देखो बहुत सारे मच्छर आ गए, देखो मेरा तो होल वाला है यार, बहुत ज्यादा मच्छर आ रहे हैं, तू देख। अब करते हैं ऑल आउट ऑन करो। तो गाइस, फटाफट से हलवे का मजा लेते हैं, और उसके बाद बनाएंगे हम डिनर थोड़ी देर Hey guys, तो रात के बज चुके हैं 10 और खाना पीना हो चुका है डन। आज हमने खाया फिर से राजमा की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने राजमा थोड़े ज्यादा भिगो दिए थे, तो वो आज खिचड़ी बना के सब खाना पीना खा के हो चुके हैं फ्री, और सब अपने अपने बिस्तर पे पहुंच गए हैं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो करते हैं हम इसी के साथ एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।